हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये मर्सिडीज बेंज जी क्लास 65 AMG। तो इसका हॉर्स पावर कुछ 612 है। काफ़ी सुंदर गाड़ी है यह, काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है ये। बहुत सारे लोगों के पास ये गाड़ी है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रिटीज़। तो ये काफ़ी शानदार है, तो काफ़ी पॉपुलर है। आपने भी कहाँ पे तो देखा ही रहेगा, कहाँ ना कहाँ तो देखा ही रहेगा ये गाड़ी। हम लोग इस गाड़ी को थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसका एक टेस्ट राइड लेने वाले हैं और देखते हैं इसका हैंडलिंग परफॉर्मेंस कैसा लगता है हमें। तो देखिए वीडियो को, ये सिमुलेशन रिव्यू होने वाला है, एक वर्चुअल रिव्यू होने वाला है। तो मैं सब पॉइंट्स कवर अप करने का कोशिश करूँगा इन टर्म्स ऑफ टेस्ट ड्राइव, कम्फर्ट लेवल, ऑल दैट स्टफ। तो एनीवेज देखिए वीडियो को, इन्जॉय कीजिए वीडियो को, देखते हैं। तो ये रहा मेरे सामने ये गाड़ी, और इसके अंदर जाके इसका इंजन शुरू करके देखते हैं किस तरह से इसका साउंड आता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ऊपर है, तो काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ा मुझे। और अभी हम लोग इसका इंजन शुरू करके देखेंगे। तो जैसे आपने देखा इसमें अंदर टिपिकल साउंड आती है मर्सिडीज़ की, जैसा मर्सिडीज़ का जो इंजन का साउंड्स रहता है वैसा ही कुछ आ रहा है। इसका पीछे का व्यू में एक एक्स्ट्रा टायर दिया जाता है, जिसे अगर कुछ डैमेज हो गया दूसरा कोई भी टायर को तो फटाफट आप रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ 5 जन आराम से बैठ सकते हैं, 1 जन सो भी सकते हैं इसके पीछे। ठीक है दोस्तों, अभी इसका हेडलैम्प शुरू करके दिखाता हूँ आपको। इसका हेडलैम्प कुछ इस प्रकार से, बहुत पावरफुल हेडलैम्प है ये, रात को बहुत काम आती है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका जो एग्जॉस्ट है यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी अच्छा है। लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम में है, देखते राइट हैंड साइड के बॉटम में भी है कि नहीं इसका। हाँ, राइट हैंड साइड के बॉटम में भी दिया गया है। एक बार हम लोग राइट हैंड साइड डोर वाले डोर से भी अंदर जाके देखते हैं किस तरह से हमें देखने मिलता है गाड़ी। तो काफ़ी प्रीमियम फिनिश है, जैसे आप देख सकते हैं ये लेदर टाइप ऑफ फिनिश दिया गया है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और यहाँ पे कुछ डायल्स है वगैरह, मर्सिडीज का ब्रांडिंग है ये, बहुत अच्छा है। इसमें आप म्यूज़िक भी बजा सकते हैं और क्लाइमेट भी, क्लाइमेट के हिसाब से आप कंट्रोल चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर गाड़ी का। आप ये कहाँ पर भी लेके जा सकते हैं गाड़ी को, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। तो देखते हैं यहाँ से कुछ और बॉडी किट्स भी अवेलेबल है ये गाड़ी के लिए। मुझे पर्सनली ये जो डिफॉल्ट वाली है वही पसंद है। एनी वेज हम लोग नया बॉडी किट नहीं डालेंगे, हम लोग भी फिलहाल एक टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, ये मर्सिडीज की लोगो बहुत सही दिख रही है मेरे सामने। और जो राइट हैंड साइड में एक LCD स्क्रीन भी है और राइट हैंड साइड में मिरर्स है पीछे देखने के लिए, काफ़ी बड़ी मिरर्स है दूसरे गाड़ी की तुलना में। मेरे पीछे भी एक लेक है, तो वो लेक ही दिख रहा है मेरे ड्रेस में। और चलो इस लेक के बाहर जाते हैं, थोड़ा ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे। काफ़ी शानदार साउंड आ रहा है कि नहीं। तो मेरे घर के बाजू में एक माउंटेन है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लेक वगैरह भी है। तो मैं अगर बाजू का एंगल जुटा हुआ तो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। तो बाजू ये जो गाड़ी का रिव्यू देने के लिए सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, इसकी वजह से मैं ये पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे ध्यान में ये गाड़ी खा रहे नहीं। तो थैंक यू टू अतरवा पवार फॉर दिस वंडरफुल सजेशन। तो जैसे आप देखते हो थोड़ी दूरी में कुछ माउंटेन वगैरह है, तो उनको वहाँ पर जाएगी और मज़ा आने वाला है। जैसे आप देख सकते हो इसका कंट्रोल रूम थोड़ा सा स्पोर्ट्स कार से बहुत अलग है, मैंने तो इस फीलिंग अब लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा कम है कंपेयर टू स्पोर्ट्स कार्स। मेरा फिर पता करना है कि क्या डिफरेंसेस है स्पोर्ट्स कार में, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मुझे फर्क नज़र आ रहा है। पानी में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो
कोई टेंशन नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप खरीदे दिया है, ये मेन पर्पज इसका ऑफ रोडिंग है और इसका जो 4x4 सब व्हील्स के अंदर पावर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत वॉबली टाइप ऑफ हैंडलिंग है इसका, ऐसा नहीं कि एकदम स्टेबल बोल सकते। तो यहाँ पे एक ऑफ रोडिंग का अच्छा जगह है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं ऑफ रोडिंग करेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो अभी मैं ऑफ रोडिंग में आया हूँ, लेकिन ऐसा जरा भी नहीं लग रहा है कि ऑफ रोडिंग करे। इसका सस्पेंशन तो लाजवाब है, इसका पूरा शॉक ऑब्जर्व कर रहा है लिटरली। इसका मतलब नॉर्मली क्या होता है, मैं दूसरा बहुत सारे गाड़ी वो चलाए ऑफ रोड में, लेकिन इतना स्मूथ और कोई भी गाड़ी नहीं लगा। आप देख सकते हो जो स्टेयरिंग व्हील पे जो वाइब्रेशन हो रही है बहुत कम है, बहुत कम्फर्टेबल एक्सपीरियंस है इसका। तो नज़ारा काफ़ी सुंदर है, एक बार देख लीजिए। पानी आ गया, लेकिन हम लोग पानी को आराम से क्रॉस कर पाएंगे इस गाड़ी से। ये क्लोज बाजार है, लेकिन हम लोग को रूल्स को तोड़ना होगा ये सिंगल में। और ऊपर से आपको ट्रेन भी देखने जाने देखिए, ट्रेन जाएगी ऊपर से, अभी देखने को मिलेगा, अभी देखा होगा ट्रेन, पता नहीं नज़र आएगा कि नहीं। देखिए देखिए अभी का नज़र आएगा, फिर टॉप करना है क्योंकि हम लोग थोड़ा ये ऑफ रोडिंग करते हैं इसमें से। तो ये ऑफ रोडिंग का हम सही जगह है, हम लोग लिटरली इसको पहाड़ में चलाएंगे, देखते क्या होगा। स्लोली स्लो जाना होगा क्योंकि बहुत इश्यू हो सकता है। गाड़ी टेढ़ी हो गई है, थोड़ा बहुत तो टेढ़ी है। ये राइट हैंड साइड से जाना होगा, काफ़ी खतरनाक रास्ता है। ये और ये जगह सबसे खतरनाक है क्योंकि ये 4x4 है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। एक्चुअली मैं साइड का नज़ारा दिखाते दिखाते गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली थी, एक बार रुक के देख लेते हैं नज़ारा। ओ माय गॉड, क्या खतरनाक जगह है यार। चलो इसे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल हो पा रही है इवन इन द माउंटेन्स। ये काफ़ी खतरनाक जगह है साहब, तो आप बिल्कुल भी ना लीजिए आपकी गाड़ी को इस जगह से माउंटेन्स के ऊपर, आई मीन बहुत खतरनाक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ऑफ रोडिंग करने का लेकिन मज़ा ही कुछ आ रहा है, गाड़ी डैमेज होने का भी चांसेस होता है ऑफ रोडिंग में, कीचड़ इतना ज़्यादा रहता है ना कि कुछ ही नहीं। रोड को ही फॉलो कर रहा हूँ कब से, यहाँ का नज़ारा देखिए प्लीज़। ओ वाह, अभी माउंटेन के ऊपर आ गए हम लोग, नीचे काफ़ी ऑफरोडिंग करने के लिए गाड़ी एकदम जबरदस्त है।
एक छोटा सा घर आएगा, घर से हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना होगा। एक बकरी भी दिखी है, बकरी में वो हिरन जैसा। अरे वो जोर से आया था, आवाज आया, वो तो कोई डैमेज नहीं है गाड़ी, लेकिन यहाँ से एक लेफ्ट टर्न ले लेगा। ये घर के बारे में मैं बता रहा था, इसमें से जो टिपिकल मर्सिडीज की जो साउंड है, उसी 63 वाली गाड़ी से आती है, वैसे ही कुछ आ रही है। हाँ यार, इसको ये गाड़ी को ऑफ रोड में चलाने का मज़ा ही उठा रहा है। अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ पे, आदमी कभी दिखाएगा। वही सेम है जो पहले बताया था, यहाँ से अच्छा नज़ारा है। ये गाड़ी का कंट्रोलिंग एक नंबर है, 4x4 है, ऐसा बिल्कुल भी लगा नहीं गया ऑफ कंट्रोल है, तो पूरा अपना पूरा कंट्रोल है, सही है। नॉर्मल रोड में भी लाजवाब, ऑफ रोडिंग में भी लाजवाब, एक नंबर गाड़ी है। काम करता हूँ, गाड़ी को बाजू में लगा लेता हूँ इधर, तो वीडियो को समाप्त कर दो। यहाँ पे एक अच्छा व्यू भी है। ये दोस्तों आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, ठीक है। बाय, टेक केयर। See you in the next video. Bye.